हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडर मैथमेटिकल लॉजिक। आज के वीडियो लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स व्हाट, दो स्टेटमेंट रहेंगे एंड उस स्टेटमेंट को हम लोग किसी लॉजिकल कनेक्टिव के थ्रू ज्वाइंट करेंगे तो क्या होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव। लॉजिकल कनेक्टिव की हेल्प से हम लोग दो या दो से ज़्यादा सिंपल जो स्टेटमेंट है उनको ज्वाइंट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। सो माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि लॉजिकल कनेक्टिव क्या होते हैं, सो पहले उसकी स्टडी करते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव क्या होता है, लॉजिकल कनेक्टिव को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं, सेंसेंशियल कनेक्टिव बोलते हैं एंड सेंसेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या होते हैं, एक सिंबल्स होते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में होते हैं, वो क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस जो रहते हैं उनको क्या करते हैं, ज्वाइनिंग का काम करते हैं। अभी हम लोग ये देखेंगे कि लॉजिकल कनेक्टिव होते क्या हैं। सो लॉजिकल कनेक्टिव तो हम लोग इस टेबल के थ्रू समझेंगे, कनेक्टिव इनका सिंबल्स क्या होता है एंड इनका नेम क्या होता है। जब दो कंपाउंड स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं कनेक्टिव, उनका नेम क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। सो यहाँ पर टोटल फाइव टाइप के कनेक्टिव हैं। फर्स्ट इज एंड, एंड सिंबल के फॉर्म में इस तरह से हम लोग इसको नोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। सेकेंड वन इज और, और को हम लोग सिंबल के फॉर्म में इस तरह डिनोट करते हैं एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। थर्ड वन इज नॉट, नॉट के लिए यह सिंबल है एंड इसको हम लोग बोलते हैं निगेशन। फोर्थ वन इज इफ देन, इफ देन का वन हेडेड एरो रहता है, इसको हम लोग कंडीशनल बोलते हैं और इसको इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। फिफ्थ वन इज इफ एंड ओनली इफ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफ, ये क्या होता है, डबल हेडेड होता है और इसको हम लोग बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन, और इसको हम लोग एक थर्ड नेम इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। सो अभी ये टोटल फाइव कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये टोटल फाइव लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। अब ये फाइव लॉजिकल कनेक्टिव्स के एप्लीकेशन क्या है और इसके बेस पे हम लोग ट्रुथ टेबल कैसे फॉर्म करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। सो फर्स्ट इज एंड, एंड के केस में क्या होता है, दो स्टेटमेंट होंगे और दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू स्टेटमेंट हैं और उसको एंड के, एंड को यूज करके ज्वाइनिंग किया गया है, सो उस केस में क्या होगा, टी एंड टी इज टी अदरवाइज फॉल्स। सो वॉट इज द फार्मूला, टी एंड टी इज टी अदरवाइज फॉल्स। सो इसका यूज करके ट्रुथ टेबल कैसे फॉर्म करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पी क्यू एंड पी एंड क्यू, तो यहाँ पे टोटल क्या है, फोर कॉलम्स हैं। फोर कॉलम के केस में क्या होता है, हम लोग दो टी लेते हैं दो एफ लेते हैं, इनकेस अगर एट कॉलम्स होते तो वहाँ पर हम लोग फोर टी एंड फोर फॉल्स लेंगे। सो हम लोग फोर के केसेस में देखते हैं क्या होता है, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। सो यहाँ पे क्या होता है, टी एंड टी, ये क्या होगा, टी होगा, अदरवाइज रिमेनिंग क्या होंगे, फॉल्स होंगे। सो आई होप आपको समझा होगा। और के केस में क्या होता है, दो स्टेटमेंट होंगे और दोनों फॉल्स रहेंगे और अगर उसको और के थ्रू ज्वाइन किया गया तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू होगा। सो इसका हम लोग टेबल देखते हैं, पी क्यू पी और क्यू, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। सो F और F जो यहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, F और F, सो F और F क्या होता है, F होता है, अदरवाइज रिमेनिंग वैल्यू क्या होंगे, ट्रू होंगे इन दिस केस में। थर्ड वन इज नॉट, नॉट को निगेशन भी बोलते हैं, निगेशन ऑफ T का F होगा एंड निगेशन ऑफ F का T होगा। सो इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, P एंड निगेशन ऑफ P, T F, T का निगेशन F होगा और F का निगेशन क्या होगा, T। फोर्थ वन इज इफ देन, T इम्प्लाइज F इज F अदरवाइज ट्रू, ये फिक्स है, टफ, टी इम्प्लाइज, अगर टी का इम्प्लीकेशन एफ की तरफ है तो क्या होगा, एफ होगा, उसके अलावा जो भी वैल्यू होंगी सारी ट्रू आएंगी। सो पी क्यू पी इम्प्लीकेशन क्यू, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, सो टी इम्प्लाइज एफ, तो यहाँ पे देखो ब्लू कलर है, टी एफ, टी एफ पे इम्प्लाइज करे तो आंसर क्या मिलेगा, टी, अदरवाइज बाकी सब क्या होंगे, ट्रू होंगे। सो ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू। लास्ट वन इज इफ एंड ओनली इफ, टी डबल इम्प्लीकेशन टी क्या होगा, टी होगा एंड एफ डबल इम्प्लीकेशन एफ क्या होगा, टी होगा, अदरवाइज क्या होंगे, फॉल्स। सो टेबल के थ्रू समझते हैं, पी क्यू पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, सो टी एंड टी यहाँ पे तो आंसर क्या है, टी आएगा एंड लास्ट में एफ और एफ क्या है, तो भी टी आएगा, अदरवाइज दोनों रिमेनिंग वैल्यू क्या होंगी, फॉल्स। सो
ये लॉजिकल कनेक्टिव जो होता है ये क्या करता है, लॉजिकल का 70% पार्ट इसी के थ्रू कवर होता है। इसका हम लोग यूज क्या करते हैं, अगर दो स्टेटमेंट हैं तो वो दो स्टेटमेंट ज्वाइन करने का काम करता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग व्हाट, वो दो स्टेटमेंट का यूज कर हम लोग ट्रुथ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। थर्ड प्लेस में कहाँ पे, ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करते हैं। सो ये सारे एप्लीकेशन हम लोग इसके अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।